तो हाय, मैं अमित स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस चलती पर। दोस्त, अगर आप मैकेनिक हैं या फिर आपके पास बाइक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। इंजन से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। पिस्टन से रिलेटेड जो धुआं मारने की प्रॉब्लम होती है बाइक में, उस प्रॉब्लम को सही करने के बारे में आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। देखिए दोस्त, ये पिस्टन है। अब ज़्यादातर लोग इसमें रिंग पिस्टन डालते हैं जब धुआं मारती है बाइक, या फिर सिलेंडर गियर भी बदलनी पड़ जाती है। मतलब हाफ इंजन, अब अगर तकरीबन कुल मिला के आप माने, अगर हाफ इंजन सही तरीके से हम करवाते हैं तो हमारी बाइक में तकरीबन 2500 रुपये या फिर 2500 रुपये लग जाते हैं। मतलब 2000 या फिर 2500 रुपये के आसपास खर्चा आ जाता है। ये रिंग भी चेंज किए जाते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में ये जो मेरी बाइक है, ये मेरे पास में स्प्लेंडर बो सॉरी ये डिस्कवर बाइक है 100 cc। तो इसमें मैं देखो काम करने वाला हूँ, और बहुत कम काम करके, बहुत कम पैसा लगा के मैं इसका धुआं रोकने वाला हूँ। और मैं किस तरीके से धुआं रोकने वाला हूँ ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हम इसका पुराना अगर रिंग आपको डाल के दिखाएं तो इस सिलेंडर में देखिए कितना गैप आ रहा है। अगर आप इस पिस्टन में रिंग डाल देंगे, जो ये 25 नंबर की रिंग निकले हैं, अगर आप यही रिंग डाल देंगे नए, फिर भी कोई गुंजाइश नहीं है धुआं रुकने की, कि धुआं रुक जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं रुकेगा धुआं, क्योंकि सिलेंडर भी कट जाता है, पिस्टन भी हमारा थोड़ा कट जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में ना ही मैं पिस्टन डालूंगा, ना ही मैं बोर कराऊंगा सिलेंडर में, ठीक है, ना ही मैं इसके हेड में काम करूंगा, बस वाल सीले वगैरह डाल दूंगा मैं, और ज़्यादा काम नहीं करूंगा। क्योंकि ये कस्टमर जो है वो ऐसे ही है, बोले यार भाई थोड़ा काम चला दो हमारा काफ़ी समय तक। तो मैंने जो भी कुछ है बोल दिया। देखिए, ये जो मैं कर रहा हूँ ये थोड़ा सा ऐसा तो हो सकता है, इससे कन्फर्म नहीं है कि धुआं रुक जाएगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि रुक जाएगा। तो देखिए, जो मैं अब इसमें जो रिंग डालूंगा वो डिस्कवर 100 cc के 50 नंबर के रिंग डालूंगा। तो ऐसे तो ये रिंग आएंगे नहीं, मैं आपको बताऊं। ये देखिए, ऐसे रिंग नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे ये थोड़े बड़े रहेंगे। देखिए, थोड़ा बड़ा रहेगा ये रिंग, तो आएगा नहीं ये, मैं आपको दिखाऊँ। देख पा रहे हैं आप, जैसे मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ, इसमें ये डालेंगे हम तो ये बड़ा रहेगा। तो इसीलिए अब हमें करना क्या है, देखिए दोस्त, मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसको हमें करना क्या होगा, देखिए इन रिंगों को, ये इसमें 5 रिंग होते हैं, हमें उस रिंग से कुछ नहीं करना है। जो हमारा ऑयल रिंग होता है स्प्रिंग टाइप का, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। बाकी ये जो 4 रिंग होते हैं, टॉप 1 टॉप 2 और 2 रिंग पतले पतले होते हैं ऊपर नीचे, जैसा मैंने आपको दिखाया, ये देखिए इनको हमें घिसना होता है। आप इसका एक टूल्स भी आता है, थोड़ा सा मिट्टी टाइप का टूल्स आता है इसका, पत्थर टाइप का, उससे भी आप घिस सकते हैं, वरना रेती से भी घिस सकते हैं। मैं इनको रेती से ही घिस लेता हूँ, मेरे पास रेती है, मैं इनको घिस लूँगा, और तब तक घिसूँगा तब तक ये इनमें इतना गैप नहीं रह जाए। आप देखें, ये थोड़ा सा गैप होना चाहिए, बस इतना गैप इसमें रहना चाहिए सिलेंडर में डालने के बाद, तब तक मैं इन्हें घिसता रहूँगा। थोड़ा समय ले लेंगे ये घिसने के लिए, ठीक है, क्योंकि मोटे होते हैं, लोहे के होते हैं, ये काफ़ी समय लगेगा घिसने में। तो आप घिस सकते हैं, देखिए एक तरीके का आप ऐसा जुगाड़ मान सकते हैं कि धुआं रुक जाएगा, बहुत कम पैसों में काम हो जाएगा, पर धुआं रुक जाएगा। ज़्यादातर उम्मीद यही है कि धुआं रुक जाएगा। ये दोनों हम घिस लेते हैं, दोस्त घिस लेते हैं, और आपको भी घिस लेना। मैं बताना ये चाह रहा हूँ दोस्त, इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन में आपको ये देना, देखिए ये वाला जो रिंग है ये हमें नहीं घिसना है, बाकी की ये जो 4 रिंग होते हैं, देखिए ये रिंग घिसना है हमें, 2 मोटे होते हैं मतलब टॉप 1 टॉप 2, और बाकी 2 पतले होते हैं, उन्हें हमें घिसना होता है। तो दोस्त, बस मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि अगर चाहें आप तो ऐसा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर गाड़ी में आप ऐसा करें, लेकिन कोई कस्टमर अगर ऐसा आता है जिस जो प्रॉब्लम में हो, या फिर बहुत सारी अलग अलग स्थिति क्रिएट हो सकती हैं, सामने आ सकती हैं, वो आप देखें। फिलहाल में ये मैंने आपको बता दिया कि कभी भी अगर आप ना डाल पाएँ, मतलब नहीं कर पाएँ, ब्लैक बोर नहीं करवा पाएँ, आप रिंग पिस्टन नहीं डलवा पाएँ, तो ये आप करके देख सकते हैं, डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैं आपको घिस के दिखा दे रहा हूँ, इस देखिए इस तरीके से हमें घिस लेना है ये, ठीक है, इस तरीके से हमें ये घिस लेना है, और हमें बार बार चेक करते रहना है ताकि ये ज़्यादा भी ना घिस जाए। तो दोस्त, बस इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप ऐसा कर सकते हैं, ये एक तरीके का आप जुगाड़ मान सकते हैं, और ये जुगाड़ बेहतर है, चलता है, अच्छे से चलता है, मैंने भी काफ़ी गाड़ियों में किया है। दोस्त, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर गाड़ी में ऐसा करेंगे, या फिर आपकी गाड़ी है तो आप अगर सही से भी काम करा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ये जुगाड़ कराएं, नहीं तो ये नहीं कराएं। लेकिन आप मजबूरी में अगर ये कराना चाहें तो करा सकते हैं, ये काम करता है, वर्क करता है 100%, ये सही है। तो बस आज की वीडियो में दोस्त इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपका कोई सवाल हो, आपका कोई भी कमेंट्स हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में जरूर करें, क्योंकि आप ही के कमेंट्स के आधार पर मैं वीडियोज़ बनाता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपके थ्रू मुझे भी कुछ सीखने को मिले। आप कमेंट्स करते हैं तो उस पर मैं रिसर्च करता हूं, अच्छा लगता है। तो दोस्त, बस आज की वीडियो में इतना ही, बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ले लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबा